हेलो, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। हमारा आज का टॉपिक है रैशनल नंबर्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम आइडेंटिफाई, कैसे हमें पता चलेगा कि कौन से रैशनल नंबर्स होते हैं और कौन से इरेशनल। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर की डेफिनेशन। रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, रैशनल नंबर्स क्यू आर नंबर्स डेट इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। रैशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल क्यू। रैशनल नंबर कैन बी रिटन एज पी अपॉन क्यू एंड पी आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये एग्जाम्पल में हमारे पास दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ ऊपर वाला जो होता है ये हमारा होता है न्यूमिनेटर और नीचे वाला हमारा होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हमारा कभी भी ज़ीरो आया तो वो हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। अगर ऊपर ज़ीरो आया तो वो हमारा रैशनल मतलब न्यूमिनेटर में आया ज़ीरो तो वो हमारा रैशनल नंबर हो सकता है, पर जब डिनोमिनेटर में ज़ीरो आया तो वो नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल हमारे पास दी हुई है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कहीं भी डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं है। अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन इरेशनल की। यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन है इरेशनल की। इरेशनल नंबर डेट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड और अ सिंपल फ्रैक्शन। It cannot be expressed in the form of a ratio such as p upon q, where p and q are integers and q is not equal to zero. In rational number, the decimal number never repeat and never eat. Example. यहाँ पर हमारी इनकी irrational number की examples हैं। मैं आपको अब क्लियरली समझाती हूँ। यहाँ पर हमारे पास नंबर है, यहाँ पर हमारे पास नंबर है थ्री। ये अब हमारा कौन सा नंबर है? यस, ये हमारा रैशनल नंबर है। और अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि थ्री अपॉन ज़ीरो तो ये हमारा कौन सा नंबर है? यस, ये हमारा होगा इरेशनल। अगर मैं कहूँ कि ज़ीरो अपॉन थ्री तो ये कौन सा हमारा होगा? ये हमारा रैशनल हो जाएगा। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रैशनल में अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आया तो वो हमारा रैशनल नहीं होगा, तो वो हमारा क्या होगा? इरेशनल। क्योंकि इरेशनल में अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आया तो वो हमारा इरेशनल बन सकता है पर रैशनल नहीं। अगर हमारा न्यूमिनेटर में ज़ीरो आया तो वो हमारा रैशनल बन सकता है और इरेशनल नहीं। जैसे कि मैं कुछ नंबर्स आपको शो कराती हूँ। यहाँ पर नंबर हमारे पास है, यहाँ नंबर हमारे पास है थ्री, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। इसमें कोई फ्रैक्शन की निशानी नहीं लगी हुई, कुछ भी नहीं है, सिंगल थ्री है, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। उसके नीचे हमारे पास टू पर है थ्री अपॉन वन। थ्री अपॉन वन में अब यहाँ पर ना ज़ीरो है, यहाँ पर ज़ीरो नहीं, कुछ भी नहीं, भले यहाँ पर वन हो टू हो जितने भी नंबर हो वो हमें रैशनल कहलाएगा, पर डिनोमिनेटर में ज़ीरो ना हो। सही है। जैसे कि यहाँ पर थ्री अपॉन ज़ीरो है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था,
तो ये हमारा कौन सा है? इरेशनल। अब 3/1 है हमारे पास, तो ये हमारा कौन सा हो गया? रेशनल। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 0/3, तो ये भी हो गया रेशनल, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था। उसके बाद मेरे पास है 3/1, तो ये भी क्या हो गया? रेशनल। यहाँ पर दोनों ही साइड हैं, तो ये इरेशनल हो गया, क्योंकि अगर ऊपर 0 होता नीचे 1 होता तो वो रेशनल हो जाता, मगर ये इरेशनल हो गया क्योंकि नीचे 0 है। उम्मीद है आपको रेशनल और इरेशनल समझ आ गया होगा। दूसरी वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।